press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पर। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िला खान जी का दमदार इंटरव्यू, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मुझे मुजफ्फर भाई बहुत बुरा लग रहा है, मुझे एक्चुअली में बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारे भारत में जितने भी मुस्लिम समाज के ठेकेदार हैं, जैसे मदनी है, रशीदी है, तौकीर है, जवाद है, तो जो मुसलमान समाज के जो ठेकेदार हैं, मुसलमान औरतों के जो ठेकेदार बने फिरते हैं, उनका मानना है कि औरत जो होती है वो घर की जीनत होती है, उसको घर में रहना चाहिए। इवन कई बार जब हम लोग नेशनल न्यूज डिबेट पर बैठते हैं और हम लोग संवैधानिक बात करते हैं, तो कई मौलवी मुल्लाओं ने, कई मुसलमान लड़कों ने मुझे कहा है कि तुम बागी मुसलमान हो, बागी मुसलमान हो, तुम हिजाब नहीं पहनती हो, औरत घर की जीनत होती है, घर में रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। पर देखिए मेरी बात तो सत्य साबित हो गई मुजफ्फर भाई, कि बाप बड़ा ना भैया मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया, मेरी बात तो साबित सच साबित हो गई ना, देश बड़ा ना संविधान भारत के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा रुपया, मेरी बात तो बिल्कुल सच साबित हो गई। लाइन में ये जो लाइन आपने अभी अपने व्यूअर्स को दिखाया है, इसमें अच्छे से लोग खोज खोज करके देखे कि इसमें ना सनातनी बेटियां हैं, इस लाइन में ना क्रिश्चियन बेटियां हैं, ना यहूदी बेटियां हैं, ना इसमें सिख बेटियां हैं, ना जैन बेटियां हैं, ना बौद्ध बेटियां हैं, इसमें सिर्फ मुसलमान माएं, बहनें और बेटियां हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। राहुल बाबा ने इलेक्शन कमीशन के कानून का उल्लंघन करके मुसलमान औरतों को अपना वोट बेचने पर मजबूर किया, और मुसलमान महिलाओं ने और मुसलमान पुरुषों ने अपनी अपनी महिलाओं से ये आरोप करवाया, ये गुनाह करवाया, ये संविधान का उल्लंघन करवाया, और ये मुसलमान मर्द इतने बेशरम, बेहुदा, बदतमीज कि आज अपनी घर की जीनत को बाहिजाब में लिपटी हुई रोड पर खड़ा कर दिया है 1,00,000 रुपए के लिए। आलम तो ये है मुजफ्फर भाई कि अब ये मुसलमान बहने बेचारी 5 जून से, आज देखिए 12 जून हो गया है, लाइन में खड़ी है, ना गारंटी कार्ड मिल रहा है, ना कुछ पैसे का है, और राहुल गांधी जी ने साफ लफ्जों में कहा था कि 4 जून को रिजल्ट आएगा और 5 जून को खटाखट पैसा मिल जाएगा। अब इन्होंने उनके उसी बात पर चटाचट तलवा चाटा था राहुल गांधी का, लेकिन अब वो तो फटाफट पैसा भी नहीं मिल रहा है। अब आप बताइए कि कितना बुरा किया राहुल गांधी ने इन लोगों के साथ। अच्छा कल क्या हुआ, परसों तक मैं दिल्ली में थी, क्योंकि मैं शपथ समारोह में गई थी मोदी जी के, मैं दिल्ली में ही थी 6 तारीख के अर्ली मॉर्निंग से लेकर के मैं 11 तारीख तक मैं दिल्ली में थी। तो 11 को मॉर्निंग में मैं रिटर्न आई, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कांग्रेस भवन के सामने मुसलमान बहनों ने पूरा एकदम जिहाद बना दिया है, और मैंने ट्वीट भी किया मुजफ्फर भाई, मुसलमान महिलाएं भैया इनको दे दो पैसा, क्योंकि हमारे इस भारत देश में कई ऐसी हिजाबन मुसलमान महिलाएं हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन अलकायदा से है। आप देखिए कि हिजाब के लिए जब मुस्कान ने जो एक विवाद छेड़ा था उसके लिए, उस मुस्कान के समर्थन में, उस मुस्कान की तारीफ में किसका मैसेज आया था, मैंने ट्वीट के माध्यम से जनाब राहुल गांधी जी को टैग करके लिखा है कि आप इन हिजाबन मुसलमान महिलाओं को इमीडिएट जो वायदा आपने किया था खटाखट देने का, और इन्होंने तलवा चाटा आपका चटाचट, आप दे दीजिए इनको पैसा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो का मैसेज आ जाए, लश्कर का मैसेज आ जाए और देश के लिए बहुत बुरा हो जाए, भारत देश के लिए, क्योंकि ये हिजाबन महिलाओं में से सारी नॉर्मल नहीं है, कुछ ऐसी है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जिहादियों से, आतंकियों से है, क्योंकि मुस्कान का हमने खुली नजरों से देखा है, खुली नजरों से हमने मुस्कान का देखा है, और जैसे ही उसका सच सामने आया कि उसके कनेक्शन है, वैसे ही वो भाग गई भारत छोड़ करके।
वो छुपी भी रहती है। अभी देखिए ना, वो सुप्रीम कोर्ट के उस मैटर पर आती है, ना ही वो हाई कोर्ट के उस मैटर पर आती है। अब वो गायब हो चुकी है। अब जो जो लड़कियां उसके समर्थन में थी, अब वो फंस गई है बेचारी, क्योंकि वो तो अलकायदा की स्लीपर सेल थी। अब आती है बात कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने माता बहनों को योजनाएं घर तक जाकर पहुंचवाया, उनके लिए इन्होंने गालियां परोसी, और एक राहुल गांधी जिन्होंने सिर्फ बातें की, वादे किए, जिसने एक जनाब राहुल गांधी जी जिन्होंने वोट के लालच में इनको लाख रुपए का लालच दिया और इनको बाजार में खड़ा कर दिया, मुसलमान बेटियों बहनों को जो घर की जीनत होती है उनको बाजार में खड़ा कर दिया। बोलिए, राहुल गांधी ने तो इस्लाम को खतरे में डाल दिया है। राहुल गांधी ने तो इस्लामिक हिजाबर महिलाओं की बेइज्जती कर डाली है। राहुल गांधी ने बिल्कुल हर हाल में इस्लाम की बेइज्जती की है। मैं इस बेइज्जती को इस्लाम की बेइज्जती कहूंगी, मैं इस बेइज्जती को हिजाब की बेइज्जती कहूंगी, मैं इस बेइज्जती को हर हाल में इस्लामिक बेइज्जती का आगाज कहूंगी। कि क्या समझ करके राहुल गांधी ने इतना बड़ा लालच दे करके इनसे वोट खरीदा, और फिर जो खरीदने का जो पैसा होना चाहिए लाख रुपए वो भी नहीं दिया। ये तो बहुत बुरा किया, ये इस्लाम की खड़े बेइज्जती है। आज हमारे घर की जीनत बेचारी, हमारी पाकीजा बहने जो हिजाब में लिपटी हुई है, आज सरे बाजार खड़ी है चिलचिलाती धूप में, आज पसीने पसीने हो रही है। देखिए इन योजना, ये जो राहुल गांधी ने खटाखट 1 लाख रुपए निकाला, मैं मान रही हूँ कि पाकिस्तान से ये इंफॉर्मेशन आया कि बेनजीर भुट्टो ने निकाला था 3 माह में 12,500 रुपए, तो बेनजीर भुट्टो जीती थी, उन्होंने सरकार बनाई थी इस इमोशनल चीजों से। तो पाकिस्तान से जो उनको सलाह मशवरा जनाब राहुल गांधी जी को आया, उन्होंने उस सलाह मशवरा को मानते हुए भारत में खटाखट 1 लाख रुपए बेनजीर भुट्टो की तरह उन्होंने बोल दिया, मैं मान रही हूँ। लेकिन बात ऐसी है कि भैया, आपने 5 जून को देने की बात कही थी, तो दे दीजिए ना इन बेचारी महिलाओं को। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और इंफॉर्मेशन देती हूँ। उत्तर प्रदेश में रामपुर एक गांव है जिसमें 1800 या 1500 या 2300 सिर्फ मुसलमान रहते हैं उस रामपुर गांव में, सिर्फ मुसलमान। अब 1800 रहते हैं तो भी मुसलमान है, 1500 रहते हैं तो भी मुसलमान है, 2300 रहते हैं तो भी मुसलमान है। एक भी वो लोग वहां पर हिंदू का घर होने नहीं देते हैं, या किसी और मजहब के लोग वहां पर जगह जमीन नहीं खरीद सकते हैं, सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं। और इनमें से 532 मुसलमानों को घर मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और इन्होंने एक भी वोट बीजेपी को नहीं। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं? नहीं मुजफ्फर भाई, हमें इससे आपत्ति भी नहीं। मुझे एटलीस्ट, और मेरे प्रधानमंत्री को भी इससे आपत्ति है, और मुझे भी इससे आपत्ति नहीं है। देखिए, वोट देना एक जनता का अधिकार होता है, उनको पसंद होगा वो वोट देंगे, उनको पसंद नहीं होगा वो वोट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री इस देश के हर एक समुदाय के प्रधानमंत्री है। उनका काम है योजनाएं घर घर तक पहुंचाना, जो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचाया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब सब्सिडी ले रहे हो, जब योजनाओं का फायदा ले रहे हो, जब सारी सुख सुविधाएं ले रहे हो, जब हमारे हमारे प्रधानमंत्री के तमाम योजनाओं के हिस्सेदार बन रहे हो, तो फिर गालियां क्यों देते हो गंदी गंदी? अब वोट नहीं देना ना, तो वोट नहीं देना। देखो असल में तो देखे, वोट भी देना बनता है कि आपको वो घर बना के दे रहे हैं, आपकी बेटियों की शादी करा रहे हैं, आपकी बेटियों के लिए वो तालीम मुहैया कर रहे हैं, आपके लिए मुख्तलिफ आपको सहूलियात फराहम कर रहे हैं, तो आपको तो चाहिए वोट भी उनको दे। एक तो आप वोट भी नहीं दे रहे उनको और ऊपर से गालियां निकाल रहे हैं, और दूसरा जो आपको लालच दे रहा है, कह रहा था खटाक टकाटक मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल दूं, उसको आपने वोट भी डाला, और अपनी माओं बहनों बेटियों को आप जलील भी कर रहे हो रोड के ऊपर खड़ी करके। तो ये मुझे नहीं समझ आता कि जो इंडिया के मुसलमान है वो क्या, उनकी सोच क्या है और वो कर क्या रहे हैं, मुझे मेरी समझ से तो बाहर है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा नाजिया खान जी ने राहुल गांधी के जो फर्जी वादा था, यानी कि खटाखट पैसे देने का, उसकी पोल खोल के रख दी और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, जहाँ पे आपने देखा
मुस्लिम महिलाएं लाइन लगा के पैसे के इंतजार में खड़ी हैं, वहीं कांग्रेस इस वादे को भूल गई है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस टॉपिक के बारे में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।